You are watching Poonch Live. आदाब नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं शहीद हवालदार अब्दुल मजीद के घर पर, जो कि पुंछ के अजोट में है। और आज यहाँ पर एलजी मनोज सिन्हा जो है वो ताज़ियत पर आए हुए थे इनके घर पर, और इनकी फैमिली के साथ वो मिले हैं। एलजी मनोज सिन्हा के साथ जो है काफ़ी जो अफसरान हैं वो यहाँ पर मौजूद रहे, और तकरीबन यहाँ पर वो 10 मिनट यहाँ पर उनकी फैमिली के साथ बैठे हैं। उनके साथ उन्होंने बातचीत की है और अपना दुख जो है वो उन्होंने ज़ाहिर किया है। और इसी पर जब हमने हवालदार अब्दुल मजीद के फादर से हमने बात की, तो उन्होंने बताया कि एलजी मनोज सिन्हा ने ये यकीन दिलाया है कि जिसने भी ये कायराना हरकत की है उनसे जो है इन शहीदों की जो शहादत का बदला लिया जाएगा। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। ये बहुत अच्छा लगा हमको, हमारे दुख में शरीक हुए हैं ये गवर्नर साहब, तो हम सब का आभारी हैं और दुख दर्द में जो है शामिल हुए हैं। पूरे डिपार्टमेंट का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ गवर्नर साहब का। वो हमको फख्र है इस चीज़ का, हमारा बच्चा जो है देश के काम आया है, तो वो दुख दर्द में आए शामिल हुए हैं, तो बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका भी। आपके माध्यम से जो है ये बात रखी गई है इधर, और आप शामिल हुए हैं इस चीज़ के लिए, तो बाकी मैं पूरा फैमिली मेरा देश के लिए खड़ा है इंशाल्लाह, पहले भी था और पीछे भी रहेगा। बस वो दुख दर्द बांटने के लिए आए थे सर वो, तो बाकी जो है ना और कोई ऐसा नहीं है। इशू बोला उन्होंने कि आप देश के लिए आपका बेटा जो है गर्व के साथ काम आया, शहीद हुआ है, तो इसीलिए वो आए थे इधर दुख दर्द बांटने के लिए। हाँ बिल्कुल कहा सर कि इंशाल्लाह हम बदला लेंगे, इस बात का ऐसी बात नहीं है, और कोई बात नहीं हुई उतनी खास। यही इसी के ऊपर जो है ना हमको फख्र है, इस पूरी टीम आई हमारे पास, गवर्नर साहब आए, तो बहुत बहुत शुक्रिया उनका अदा करना चाहता हूँ आपके साथ। और इसी के जी, मेरा नाम जावीर खान है। आज यहाँ पर हमारे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब, जो हमारा बच्चा शहीद हुआ था अब्दुल मजीद, तो उसकी ताज़ियत के लिए हम यहाँ हमारे पास आए थे आज, अभी भी वो यहाँ से वापस गए हैं। मैं अपने परिवार की ओर से एलजी साहब का और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मुश्किल वक्त में हमारे कांधे पे हाथ रखा और हमारी एक ताकत बने। तो बहरहाल हमने कुछ जो छोटी मोटी डिमांड्स थी वो एक हमने मेमोरेंडम बना के जो है एलजी साहब के हैंडओवर किया है, और यकीन है कि एलजी साहब ने कहा कि ये जो आपकी डिमांड्स हैं ये बिल्कुल जल्द अज जल्द जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पूरी करेगी। हाँ बिल्कुल, उन्होंने कहा कि बिल्कुल हमें फ़ख्र है, उन्होंने कहा कि ये पूरा देश गर्व करता है कि जो अब्दुल मजीद है उन्होंने मुल्क के लिए शहादत दी है, तो जो कायर हैं हम उनको नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने ये यकीन दिलाया कि जिन लोगों ने ऐसी हरकत की हम उनको कभी नहीं छोड़ेंगे। मेरा नाम चौधरी फजल, हम इसे इलाके खड़ी कर मारा गोल पर जोर से चल करते हैं। आज हमें दुख भी महसूस बहुत हुआ कि हमारा लायक फायक बच्चा जो है वो दुनिया से चला गया, मगर खुशी इस बात की है कि वो देश के वजह लड़ते लड़ते शहीद हो गया, और काफ़ी लोग शहीद हुए हमारे देश लड़ते लड़ते, मगर जो ये अब्दुल मजीद छोड़ कर गया है ये किसी ने नहीं ऐसा कारनामा हुआ। यहाँ हमारे जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट, जिनके सरबरा गवर्नर साहब हैं, यूटी है इस वक्त, और वो यहाँ आए दूर दराज और फलंग एरिया में बॉर्डर में, हम इनके शुक्रगुजार हैं। साथ साथ में उनके जनरल साहब आए, आईजी साहब आए, डीआईजी साहब आए, ये हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ की एडमिनिस्ट्रेशन का तो कोई मुकाबला ही नहीं, और वो तो कई बार आ चुके हैं। आज मेरे ख्याल 8-10 दिन हो गए, 8 दिन हो गए लगातार वो यहाँ टूर कर रहे हैं, एसएसपी साहब, डीसी साहब और हर दीगर ऑफिसर साहब यहाँ आ रहा है, हम इनके नहायत शुक्रगुजार हैं। गवर्नर साहब ने कहा कि जो भी हुआ हम करेंगे, और इसका जल्द ये जो कुर्बानी है ज़ाया नहीं जाएगी, इसका हम उजाला करेंगे और बदला करेंगे। और इन घर वालों को बच्चों के लिए जो उन्होंने कहा कि रेमोरेंडम में हमने 2-4 चीज़ें लिखी थी, उन्होंने ये एग्री किया कि जल्द बहुत जल्दी हो जाएगा। हमें भरोसा है कि जो गवर्नर साहब मिनट करके गए हैं वो होकर रहेगा।